जिन फिर काबू से बाहर होना शुरू हो गए हैं और एक तरफ तो मौसम अपनी शिद्दत से शहरियों पर सतम डाल रहा है तो दूसरी तरफ दिन के बेशतर वक्त गायब रहने वाली बिजली रही सही कसर पूरी कर देती है। मौसम गर्म तरीन होने के साथ ही बिजली की तलब भी एक मरतबा फिर 18,000 मेगावाट से तजावज कर गई। लाइट चार चार दो दो तीन तीन घंटे नहीं आती, कारोबार टोटल मुकम्मल फिनिश हो गया। पैदावार 13 और 14,000 मेगावाट के माबेन ही घूम रही होती है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट के लगभग पहुंचने के बाद बिजली का कई कई घंटों के लिए गायब रहना मामूल बन गया है, जिससे दुकानदार तबका शदीद अज़ियत का शिकार है। एक तरफ तो जहाँ गर्मी के बाइस गाहक मार्केट का रुख करने से कतराते हैं, वहीं पर लोड शेडिंग दुकानदारों पर बिजली की तरह ही गिरती है। लाइट चले जाती है, फिर उसके बाद गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जीना बिल्कुल बहुत मुश्किल हुआ। गर्मी इतनी है, देख लें आपके सामने पसीने का मेरा क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, लाइट नहीं आती, ठीक है, ऊपर से यूपीएस लगवाया, यूपीएस हर जाता। ताजरों का कहना है कि हुकूमत शाम के औकात में उन्हें बिला तातल बिजली फराम करे ताकि उनके घरों के चूल्हे जल सके। जून जुलाई का ये मौसम है, इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी हुकूमत से ये दरखास्त है तमाम ताजर बरादरी की कि आप हमें शाम को 5 से 10 बजे तक लाइट दें ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से कस्टमर दिन में नहीं निकलता, तो ये शाम को लोग निकलते हैं फैमिलीज के साथ या खुद निकलते हैं, तो इससे कुछ मैं समझता हूँ कुछ हालात बेहतर होंगे। लोड शेडिंग ने सिर्फ दुकानदार तबके को परेशान नहीं किया हुआ बल्कि इसे जिंदगी घर तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जो हुकूमती तवज्जो का मंतजर है। एक तरह तो गर्मी ने कारोबार खत्म करके रख दिया, जबकि रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ आसिम अमीर, न्यूज़ 5, लाहौर।